गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम आपको रेशनल नंबर चैप्टर पढ़ा चुके हैं और अब हम आपको रेशनल नंबर जो पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड होमवर्क दे रहे हैं। समझने की बात ये है, रिप्रेजेंट द रेशनल इन नंबर लाइन। देखिए, 2/9 है, 5/9 है, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करिएगा वो आपको दिखाना है। सपोज करिए, एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये लाइन आपने ड्रॉ किया, ठीक है, ये आपको जीरो है, ये आपको यहाँ एरो दिया, इसको मान लीजिए कि आपका 1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी आपका डिनोमिनेटर 9 है और यहाँ भी डिनोमिनेटर 9 है, तो इनके 9 टुकड़े कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हो गया। देखिए इनके, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ऊपर में क्या है, 2 है, तो आपका ये वाली पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या है, 5 है, 2, 3, 4, 5 ये वाली पॉइंट हो गया। अब इसको ऐसे एरो निशान डाल दीजिए, यहाँ एरो निशान डाल दीजिए, यहाँ 2/9 लिख दीजिए, यहाँ 5/9 लिख दीजिए। यह आपको इस रेशनल नंबर को प्लाट करके दिखाना है। तो ऐसे बहुत से हैं, ये सिंप्लीफाई दे दिया आपके, इसके बीच की 5 रेशनल नंबर निकालने की कोशिश करिएगा। ये तो इक्वल है ही, इसके बीच में तो 1, 2, 3 होता है, वैसे नहीं निकलेगा। अब इसकी मान, इसकी डायमेंशन को बढ़ाते चले जाइएगा, जो डिनोमिनेटर है ना उसको बढ़ाते चले जाइएगा। मान लिया 2 से किया तो यहाँ 2 तो 8 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसके बीच देखिएगा तो 2, 3, 4, 5 तीनों हो रहा है, तो आप क्या कर दीजिए, 3 से करके देखिए तो शायद आपको निकल जाए, है ना, इसके बीच के निकल जाएगा। ऐसे आपके हम 5 क्वेश्चन दिया है, इन 8 क्वेश्चन को आप करके देखें। अगर कोई एक्टिविटी या कोई वर्क नहीं आता है तो उसे कॉन्टेक्ट करें, पूछें, तब आपको समझ में आएगा। ओके।